जय श्री कृष्णा। अधिक मास शुक्ल पक्ष परमा एकादशी। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि तथा महात्मा का विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। यह मनुष्यों को मोक्ष भोग तथा आनंद देने वाली पवित्र व पापनाशक है। इस व्रत की विधि भी शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान है। इस एकादशी में भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान का धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस संबंध में एक पौराणिक कथा जो कांपिल्य नामक नगर में मैंने ऋषियों से सुनी थी, वैसी तुमसे कहता हूँ। कथा। कांपिल्य नाम नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नामक स्त्री अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी, परंतु वह किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अत्यंत दरिद्र थे। उन्हें मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन वस्त्र और रहने को उचित स्थान तक भी नहीं था। कई दिन तक वे भूखे प्यासे भी रह जाते थे, परंतु उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती थी। वह अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना न करती थी। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्लभ शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ देता नहीं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के बिना घर के कार्य सिद्ध नहीं होते, अतः मुझको परदेश जाने की आज्ञा दो। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भरकर तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से अपने पति से आज्ञा मांगकर कहने लगी, हे स्वामी, संसार में मनुष्य को जो कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए चाहे स्वर्ण का सुमेरु पर्वत पर चला जाए, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्मों में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी जगह भी मिल सकता है। मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकूंगी। पति के बिना संसार में स्त्री का माता पिता, भाई बांधव, सास ससुर और दूसरे कुटुंबी जन कोई भी आदर सत्कार नहीं करेगा। सब पतिहीन तथा भाग्यहीन कहकर निंदा करेंगे। अतः इस जगह रहकर जो भी मिले उसी में सुख मानिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि भाग्यवश वहां पर आ गए। उनको देखकर सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री सहित शीघ्रता से बड़ी नम्रता के साथ बारंबार उसको नमस्कार किया और कहने लगा, हमारे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर सुंदर आसन दे मुनि की पूजा की तथा श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और अन्य दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? हे महामुनि, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं, व्रत तीर्थ तप बतलाइए, जिससे हमारा यह दुख दारिद्र दूर हो सके। ऐसे वचन सुनकर मुनि कहने लगे, हे सुशीले, पुरुषोत्तम बल मास के कृष्ण पक्ष की परमा नाम की जो एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दारिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं, इस विष्णु भक्ति देने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। उसके करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को नृत्य गीत आदि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया, तब श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया, फिर राजा हरिश्चंद्र ने किया तो अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य तथा स्त्री पुत्र को पुनः प्राप्त किया। अतः तुम भी इस व्रत को करो। श्री कृष्ण बोले, हे पांडव, इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई और फिर उनसे पंचरात्रि का शुभ कारक व्रत का महात्म्य और अनुष्ठान का भी वर्णन किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा, परमा एकादशी के दिन
प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करें। जो प्रातः काल स्नान करके 5 दिन तक निर्जल व्रत करके निराहार रहता है वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। जिसने 5 दिनों तक स्नान आदि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया उसने सबको भोजन करा दिया। जो मनुष्य इस व्रत में स्नान करके 5 दिन तक तिल घी से भरकर पात्र का दान करते हैं वे समस्त सुखों को भोगकर स्वर्ग लोक में आनंद को प्राप्त करते हैं। कौंडिन्य ऋषि कहने लगे, हे पद्मिनी, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से अन्न और धन से युक्त होकर तुम दोनों अंत में स्वर्ग को जाओगे। उस ब्राह्मण ने कौंडिन्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया तथा 5 रात्रि के समाप्त होने पर भजन कीर्तन रात्रि जागरण भी किया। व्रत के पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित नवीन ग्रह देकर उसमें उनका निवास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने सुमेधा की तपस्या से प्रसन्न होकर 1 ग्राम उनके जीविका के निमित्त दान दिया। मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से वे समस्त पापों से मुक्त होकर इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को गए। जो मनुष्य यह मानव देह प्राप्त करके भी भगवान विष्णु को प्रिय अधिक मास में एकादशी का व्रत नहीं करते वे 84 लाख योनियों में भटकते हुए दुख पाते हैं। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ बड़े पुण्य प्रताप से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो कोई मनुष्य मल मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक और श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत और परमा एकादशी का व्रत करेगा वह इंद्र के समान भोगों को भोगकर अंत में तीनों लोकों में वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महात्मा को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित एकादशी के व्रत को किया और अनेक भोगों को भोगकर अंत समय में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को गए। इति एकादशी महात्मा संपूर्ण।